वेलकम बैक फ्रेंड्स। कनाडा अकेडमी जो इंटरव्यू सीरीज़ है जून 2021 और दिसंबर 2020 की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमारे 12 जो छात्र हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है, उसमें से एक अन्य छात्र हमारे साथ अंकित कुमार हैं। तो अंकित जी, बधाई हो आपको, स्वागत है आपका कनाडा अकेडमी में। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपने जो आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स है वो कहाँ से की आपने? सर, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं यूपी बिजनौर से बिलोंग करता हूँ जी। और मैंने अपनी बैचलर की है मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से। उसके बाद 2015 में वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में फिर योग सब्जेक्ट आया उसी साल कि योग से भी अब जो है MSc और ये सब होना शुरू हो जाएगा और इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। तो उसके बाद में फिर हम 2015 में मैंने MSc योग से शुरू की। 2017 में मेरी वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने हायर स्टडी में जाने के लिए मैंने जो नेट की तैयारी करनी शुरू करी। मैं पहले भी आया था यहाँ पे, तो मैंने उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीडियो हैं, वे जो हैं देखना शुरू करा। तो उसके बाद में मेरा लगभग पहली बार में मेरा जो नेट हो गया था, दूसरी बार में भी नेट हुआ लेकिन मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली। उसके बाद तीसरी बार भी लगभग चार बार मेरा नेट हुआ। आपका कौन सा अटैम्प्ट था ये? मेरा सर फिफ्थ अटैम्प्ट था। मैं पहले लिखना आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये प्रश्न मेरे मन में ट्रिगर कर, अपने ग्रेजुएशन की फिजिक्स और केमिस्ट्री से जी सर, और फिर उसके बाद क्यों योगा का मना? ऐसे वैसे बहुत सारे छात्र हो चुके हैं हमारे पास बी टेक करने के बाद भी, प्लस साइंस बैकग्राउंड वाले भी आते हैं, तो आपने क्यों फिजिक्स और केमिस्ट्री? उसमें भी हो सकती थी आप JRF वगैरह, आपको वही अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना था, क्यों योगा? जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे मना लिया इसीलिए? क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करी योगा फील्ड की तरफ, क्यों और फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ा आपने? सर, हर फील्ड में जब भी कोई जाते हैं हम पढ़ते हैं तो उसके बाद में जॉब के लिए देखते हैं। लेकिन उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ज़्यादा जॉब्स हैं। नहीं, जॉब हैं लेकिन सर उसमें जो है कंपटीशन ज़्यादा था, योग में इतना नहीं था। अच्छा, ये हमने अपनी सहूलियत देखी। अच्छा। उसके बाद में हमने अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर दी। तो आपको लगता है योगा में कंपटीशन नहीं? नहीं सर, अब है। अच्छा, उस समय पर ये था कि नया था। अच्छा। सरकार भी कह रही थी कि सर जॉब देंगे, स्कूलों में रखे जाएंगे ये सब, तो हमने वो ईजी समझा, इस वजह से हम उसी लाइन में चले गए। लेकिन जब योग पढ़ा हमने तो उसके बाद में समझ में आया कि केवल ये जॉब के लिए नहीं है जी, इसमें कुछ और भी है जी, पूरा जीवन एक तरीके से देखा जाए तो। बिल्कुल, साइंस वालों के लिए तो थोड़ा बिल्कुल माइंड चेंजिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा जी। तो ये है कि जीवन जीने की कला, जैसे परिभाषा भी है योग की जी, तो वो है। उसके बाद में पता चला जब हमने वो पढ़ा जी। तो तैयारी के दौरान क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, क्या क्या चुनौतियों का आपने सामना करना पड़ा? जैसे आपने बताया आपका फिफ्थ अटैम्प्ट था जी सर, तो आपने शुरुआत कैसे करी तैयारी, मतलब और क्या क्या कमियां रह गई, और जो फाइनल अटैम्प्ट में हुआ है जो पहले के अटैम्प्ट थे, इसमें क्या चेंज आपने किया था? सर, बेसिक तो हमारा क्लियर था, जैसे योग सूत्र हो गया या ITO के ग्रंथ हो गए, ये सब तो हमारे क्लियर थे। लेकिन फर्स्ट पेपर हमारा क्लियर नहीं हो पाया था। लास्ट जो 4 अटैम्प्ट थे मेरे, तो उनमें मैं यही गड़बड़ कर रहा था कि मैं योग को ज़्यादा लेके चल रहा था, फर्स्ट पेपर को लेके नहीं चला। फर्स्ट पेपर में 20-22 इससे ऊपर क्वेश्चन जाते ही नहीं थे, तो योग में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि मैंने फर्स्ट पे भी जोर दिया और सेकंड पे भी, तो दोनों में अच्छे। इस बार क्या स्कोर रहा है आपका? मैं उससे मेरा स्कोर रहा है 26, तो मेरे फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन ठीक थे और 86 मेरे सेकंड पेपर में थे। 86 जो जी, ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। और पिछली बार कितना रहा आपका? लास्ट टाइम मेरा रहा था 67.66 के समथिंग रहा। पिछली बार आपका नेट क्वालिफाइड था? नहीं, हाँ नेट क्वालिफाइड, पिछली बार नेट क्वालिफाइड, इस बार आपका JR। तो कनाडा अकेडमी से आप किस वर्ष जुड़े थे और किस कब से आते हैं? लॉकडाउन से पहले आया तो मैं 2017 में भी था, उस समय पर ये शुरू हुआ था, लेकिन मैंने कोचिंग नहीं ली थी जी, ये मेरी गलती हो गई, नहीं तो मैं उसी समय पर क्वालिफाई हो जाती। और मैं कोविड से पहले आया था लेकिन कोविड के कारण बंद हो गई थी क्लासेस, तो उसके बाद फिर हम चले गए घर पर। उसके बाद फिर जब ये दोबारा ओपन हुआ तो उसके बाद हम फिर दोबारा आए। इस बार आपने ऑनलाइन लिए या फिर ऑफलाइन लिए? पहले मैं वीडियोस देखता था, ऑफलाइन लिए मैंने यहाँ के जी, ऑफलाइन ही लिए जी। ओके, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर आपको मतलब कुछ चेंजेस नज़र आए जो आपने अगर ऑनलाइन लिए फिर उसका ऑफलाइन? सर, ऑनलाइन में ये है कि पहले जो मैंने देखी थी तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखी थी, उनमें जो
मतलब हमें कोई समस्या होती थी तो हम पूछ नहीं पाते थे, लेकिन ऑफलाइन भी ये है जब आप यहाँ होंगे तो माहौल ऐसा मिलेगा आपको कि आप अपने जो जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो हाथों हाथ आप मतलब आप सॉल्व कर सकते हो, ये पूछ सकते हो टीचर्स से। ये रहा जी, तो एक तो आपने बताया कि आपको फर्स्ट पेपर में दिक्कत ज़्यादा हुई, योगा आपका थोड़ा ठीक था, फर्स्ट पेपर में ही आपको चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ा, तो कैसे उसको फिर कमियों को दूर करा आपने? सर फर्स्ट पेपर में मैंने आपके सोच ही लिया था, मन में ठान ही लिया था कि आपके JRF करने ही है जी, ये लास्ट तो कि बस ये है कि ये लास्ट है, मुझे सर के साथ इंटरव्यू देना है, इस बार ये ठान लिया था। मेरा रूममेट भी था, वो भी कहता था कि सर से ज़्यादा बात नहीं करते, मैं कहा बात मैं एक ही बार करूँगा बस, जब मैं इंटरव्यू दूँगा। तो उसमें है कि मैंने फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा ध्यान दिया, इस बार सेकंड पे थोड़ा कम रखा क्योंकि वो मेरा क्लियर था, लेकिन फर्स्ट पेपर को ज़्यादा पढ़ा। फर्स्ट पेपर में जैसे आपके जो जो ठोस नंबर एक तरीके से कहें जिनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, जैसे मैथ के हो गए, DI हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो इस बार मेरे ये काफ़ी अच्छे गए हैं और लगभग सारे ही हुए हैं जी। तो वैसे तो सफलता का श्रेय सारा आपको जाता है, लेकिन अगर अगर आप थोड़ा सा योगदान बताना चाहें कनाडा अकेडमी का जो पाठ्यक्रम है, ये जो कक्षाएं हैं, तो कितना उन्होंने आपकी सफलता में कितना उनका योगदान रहा है, या फिर जो कमियां हैं अगर आप बताना चाहें कि ये मैं पढ़ता था और मुझे ये नहीं मिला, तो कुछ आप उससे रोशनी डालना चाहें? अगर देखा जाए तो सारा योगदान मैं कनाडा अकेडमी को देना चाहूँगा। आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए जी। नहीं सर, ईमानदारी से देखो, मैं पहले भी करता था मैं तैयारी अपने से, लेकिन मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाता था क्योंकि मैं परिश्रम करता था लेकिन सही दिशा में नहीं कर पाता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन जब यहाँ आए तो टाइम मैनेजमेंट भी हुआ और सही दिशा में भी परिणाम निकले, जैसे यहाँ की टेस्ट सीरीज हैं उनको आप करोगे लोगे तो काफ़ी अच्छा परिणाम निकल के आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही है आपको यहाँ पर, क्या पसंद आई कि जिसने लगा कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसने मेरे जो सफलता का जो मार्ग है वो प्रशस्त करा है, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा? यहाँ के टीचर्स, अगर मैं यहाँ के टीचर्स, एक यहाँ की जो बुक्स है जो आप कनाडा अकेडमी ने पब्लिश की हुई है, यहाँ की बुक सेकंड पेपर के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आप उसको लो, उससे तैयारी करो। और यहाँ के टीचर्स देखो सर, ये होता है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं और अगर टीचर का व्यवहार सही होता है तो एक रिलेशन सा बन जाता है कि हम उनसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो भी आ रही है वो कर सकते हैं। तो ये व्यवहार यहाँ पे एकेडमी में सही है, बहुत अच्छा रहा जी। जो भावी हमारे अभ्यर्थी हैं जो नेट की परीक्षा या JRF की परीक्षा देना चाहिए, उनके लिए आपको संदेश देना चाहिए, या जो अपनी तरफ से जो आपने गलतियाँ करी या फिर जो लगता है कि परेशानियाँ आती हैं, या उनको लोग क्या करना चाहिए, कोई ऐसे आप बातें बताना चाहें भावुक अभ्यर्थियों के लिए, भावी अभ्यर्थियों के लिए? सर जैसे मेरी गलती हुई कि मैं फर्स्ट पेपर को छोड़ देता था, केवल सेकंड पे ही ध्यान देता था, तो ये आपको दोनों पेपर पे करना है क्योंकि केवल सेकंड सेकंड से आप JRF नहीं कर पाओगे कभी भी, नेट हो जाएगा लेकिन JRF नहीं हो पाएगा कभी भी। तो आपको फर्स्ट पेपर पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि आपको सेकंड पेपर पे देना है जी। जी अंकित जी, तो अकेडमी होने के लिए बहुत धन्यवाद, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और भविष्य में जो भी आपको आवश्यकता पड़े ज़रूर संपर्क करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।